सो दिस इज़ माई 20 लेक्चर ऑफ माई पॉलिटी लेक्चर सीरीज और आज मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ विधानसभा एंड विधान परिषद के बारे में. विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, मेरा जो लास्ट का लेक्चर था जो कि लेक्चर नंबर 19 था मेरे पॉलिटी लेक्चर सीरीज का, जिसमें मैंने बात किया था लोकसभा एंड राज्यसभा. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप पहले के लेक्चर्स देखें, तभी आपको मज़ा आने वाला है. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट लाने के लिए. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये स्टेट लेजिस्लेचर. तो जैसे सेंटर पे पार्लियामेंट होता है, ऐसी स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर होती है. ठीक है, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा एक होता है राज्यसभा. ऐसी स्टेट लेजिस्लेचर है, वहाँ पे भी कई स्टेट हैं जहाँ पे दो हाउस हैं, कई स्टेट हैं जहाँ पे एक हाउस है, तो वहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है. सो देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव एन यूनिकैमरल सिस्टम. यूनिकैमरल सिस्टम का मतलब है यहाँ पे कि जहाँ पे सिर्फ एक हाउस है. एक हाउस मतलब क्या है, विधानसभा है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है. ठीक है, वाइल द अदर हैव द बाइकैमरल सिस्टम. कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि टोटल कितने हैं, 6 स्टेट हैं. कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे दो हाउस है, बाइकैमरल सिस्टम है. ठीक है, दो हाउस कौन कौन से, एक आपका विधानसभा और एक आपका विधान परिषद. ठीक है, तो एट प्रेजेंट ओनली 6 स्टेट्स हैव टू हाउसेस. ठीक है, वो कौन कौन से स्टेट हैं, वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ये 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास दो हाउस है, बाइकैमरल सिस्टम है, जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है. ठीक है, और एक और स्टेट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, उसके पास भी दो हाउस है. ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है उसके पास भी, बट उसके खुद के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. ठीक है, जब मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में स्पेशली मैं एक लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरे अच्छे से ये चीज़ बताऊंगा. ठीक है, तो यूनिकैमरल सिस्टम में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा आता है. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली आता है. ठीक है, अगर हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात करें तो उसके अंदर दो हाउस आते हैं, एक होता है हमारा विधान परिषद, एक होता है हमारा विधानसभा. विधान परिषद को बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड विधानसभा को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, हम बात करते हैं किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, विधानसभा के बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, देखिए द मैक्सिमम स्ट्रेंथ नॉट टू बी एक्सीड 500. जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना किसी भी स्टेट की, ठीक है, अगर हम किसी भी स्टेट के विधानसभा की बात करें तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब 500 से कम ही होनी चाहिए. ठीक है, और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 60, मतलब 60 से कम नहीं होनी चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरीके से उन्होंने एक रेंज दे दी है कि आप जो है इस दोनों के रेंज के बीच में रहोगे, मतलब 500 से 600 के बीच में. बट द सेंटर कैन फिक्स्ड लेसर नंबर ऑफ सीट्स फॉर सम ऑफ द स्टेट्स. देखो, बट लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि बहुत छोटी स्टेट हैं, उनके लिए कुछ कम नंबर, लेसर नंबर ऑफ सीट्स जो है वो फिक्स कर रखी है हमारे सेंट्रल ने. ठीक है, जैसे अगर मैं अलग अलग की बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, इनके लिए 30 सीट्स इन्होंने रिजर्व कर रखी है. ठीक है, तो जो कि 60 से कम है. तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके लिए सेंटर ने क्या कर रखा है, एक फिक्स्ड लेसर नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने कर रखी है जो कि 60 से कम है. ठीक है, फिक्स्ड कर रखा है उन स्टेट के लिए. ठीक है, तो आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन से स्टेट के लिए कितने नंबर ऑफ कितनी सीट्स हैं, ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है. बट लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनकी जो सीट्स है विधानसभा की वो कितनी है, वो 60 से भी कम है. ठीक है, और वो फिक्स्ड है. वो किसने फिक्स कर रखी है, वो हमारे सेंटर ने फिक्स कर रखी है. ठीक है, विधानसभा, विधानसभा में रिजर्वेशन है SC और ST के लिए. विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन है, देयर इज एन रिजर्वेशन फॉर ST एंड SC इन द असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, वन मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ द गवर्नर फील दैट द कम्युनिटी हैज नॉट बीन एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन द असेंबली. देखो, इसका मतलब है कि जैसे मैंने आपको लोकसभा में बताया था ना कि वहाँ पे भी कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से. ठीक है, दो मेंबर जो है वो नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से. ऐसी यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे एक मेंबर हमारा गवर्नर नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, अगर उसको लगता है कि एंग्लो इंडियन की कम्युनिटी है मतलब उनके स्टेट में. ठीक है, और बट उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है असेंबली में, तो वो क्या करेगा, तो एक मेंबर को वो नॉमिनेट करेगा जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होगा, जो कि रिप्रेजेंट किसको करेगा, अपनी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा असेंबली के अंदर. ठीक है, आफ्टर ईच सेंसिस एडजस्टमेंट इन द टू बी मेड
टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू अ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो क्या होता है कि ये जो देखो अब क्या है कि हमारे स्टेट तो है हमारे कितने 29, ठीक है, और साथ में हमारे दो यूटी भी हैं जिसके अंदर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, एक तो तुम्हारा दिल्ली है और एक हमारा क्या है पौंडीचेरी है। तो अब यहाँ पे क्या है ना, जहाँ पे भी हमारी विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये जो है ना इन पे जो नंबर ऑफ सीट्स जो फिक्स करते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन फिक्स करते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे यूपी की ज़्यादा पॉपुलेशन है, बिहार की ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन और एरिया इसके हिसाब से वो लोग नंबर ऑफ सीट्स जो है वो फिक्स करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर एवरी सेंसिस, हर एक सेंसिस के बाद, के तो बेसिकली डिपेंड करेगा वो पॉपुलेशन पे, तो हर एक सेंसिस के बाद रीएडजस्टमेंट होता है इनका टोटल नंबर ऑफ सीट्स का, कि असेंबली के अंदर उस स्टेट में इतने नंबर ऑफ सीट्स जो है जो भी फिक्स्ड होती है वो चेंज हो सकती है, रीएडजस्टमेंट हो सकता है उनका, और उस स्टेट की जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो डिवीजन है वो भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि हर एक स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो उस डिवीजन को भी लोग चेंज कर सकते हैं हर एक सेंसिस में, हर एक सेंसिस 10 साल में आता है, उसके बाद वो लोग रीएडजस्टमेंट वो लोग करते हैं, ठीक है। और बाकी सब लेजिस्लेटिव असेंबली में बाकी हर चीज़ सेम है, जैसे आपका लोकसभा चलता है ऐसे हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली चलता है स्टेट में, जैसी लोकसभा चलता है आपका कहाँ पे सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे भी स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, इलेक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपका लोकसभा में होता है, ऐसे ही यहाँ पे होता है, ठीक है, सब कुछ। और जो रोल वहाँ पे प्रेसिडेंट प्ले कर रहा होता है ना वही रोल यहाँ पे गवर्नर प्ले कर रहा होता है, ठीक है, बाकी हर चीज़ सेम है। तो मैंने रिपीटिशन करने के लिए वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं है, ठीक है, बाकी जो डिफरेंसेस था जो जानने वाला था विधानसभा के बारे में वो सब आपके लिए बस इतना ही था, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम बात करते हैं विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि सिर्फ 7 स्टेट में है, जम्मू एंड कश्मीर को हम अगर मिलाएंगे तो, ठीक है। अगर हम इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें कि मैक्सिमम सीट कितनी होनी चाहिए, तो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ शैल नॉट बी एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा एंड इट शुड नॉट लेस देन 40। देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा। अगर विधानसभा की सीट्स जो है ना वो कितनी है, अगर 500 है तो 1/3 ऑफ 500, इतनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसकी, विधान परिषद की, ठीक है। और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 40, कम से कम 40 होनी चाहिए। तो ये भी यहाँ पे रेंज दे दिया कि मिनिमम आपकी 40 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा, ठीक है। चले हम बात करते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है, टर्म कितना होता है, टर्म होता है भाई 6 साल का, जैसे वहाँ पे राज्यसभा का 6 साल का टर्म होता है ना, ऐसे यहाँ पे भी हमारा 6 साल का टर्म होता है विधान परिषद का, और जिसमें से 1/3 मेंबर्स जो है वो हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं। जैसे राज्यसभा में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं हर 2 साल में, ऐसी विधान परिषद में भी जहाँ जहाँ पे विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पे 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर होंगे हर एक 2 साल के अंदर, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि उसका टर्म कितना है भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म कितना है, तो वो 5 साल होता है, जो जैसे लोकसभा में है ना ऐसे हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी है, और जैसे हमारा राज्यसभा में है ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी होता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे कंपेयर करके आप इसको पढ़ सकते हो इजीली, आपको याद भी रहेगा। चलिए हम बात करते हैं, अब ये जो विधान परिषद होती है ना उसका कंपोजिशन कैसे होता है, ठीक है, उसमें जो मेंबर्स है वो कैसे इलेक्ट होते हैं, मतलब कौन कौन इलेक्ट करता है उसमें उनके जो मेंबर्स है, ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है ना विधान परिषद की, उसका 1/3 ऑफ द मेंबर्स कौन इलेक्ट करेगा, जो हमारे MLA होंगे उस स्टेट के, उस पर्टिकुलर स्टेट के, वो इलेक्ट करेंगे, ठीक है। 1/3 जो मेंबर है वो कौन इलेक्ट करेगा, वो इलेक्ट करेगा कौन, हमारे जो लोकल बॉडीज है, जैसे पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इलेक्ट करेंगे 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द विधानसभा या टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द विधानसभा। तो 1/3 कौन करेगा, हमारा लोकल बॉडी करेगी, पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। 1/12 पार्ट कौन इलेक्ट करेगा, वो करेंगे हमारे टीचर्स, जो कि रेसिडेंट होने चाहिए किसके, उस स्टेट के, हु आर द रेसिडेंट्स ऑफ द डेट स्टेट नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेकेंडरी स्कूल लेवल। और उनकी जो रैंक होनी चाहिए ना वो क्या होनी चाहिए, सेकेंडरी स्कूल लेवल में जो टीचर होते हैं ना वो उस रैंक के होने चाहिए या फिर उससे ऊपर रैंक के होने चाहिए, ठीक है। वही लोग इलेक्ट कर देंगे कितने, 1/12 मेंबर ऑफ द विधान परिषद, ठीक है। 1/12 कौन इलेक्ट करेगा, जो ग्रेजुएट है, ठीक है, जो हम लोग ग्रेजुएट हैं, और वो ग्रेजुएट कौन होने चाहिए, जिनकी 3 साल की पढ़ाई होगी, ठीक है, जो भी जैसे BSc हो गया, BA हो गया, इन सब की क्या होता है, 3 साल की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये ग्रेजुएट होंगे जिनका टाइम पीरियड 3 साल का होगा, 3 या 3 से ज़्यादा का होगा, वही लोग इलेक्ट करेंगे 1/12 पार्ट ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द विधान परिषद, ठीक है। और
कितना बचा बाकी, 1/6 बचा, और 1/6 जो है वो नॉमिनेट करता है हमारा गवर्नर, किस किस फील्ड के, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, किस किस फील्ड में होती है, ठीक है, वो होता है आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव, ठीक है, इन फील्ड में जो है हमारा गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करेगा कितने मेंबर्स, 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द विधान परिषद, ठीक है। तो ये हर एक स्टेट में लागू है, हर एक स्टेट का एक अपना अपना होगा, ठीक है, ये रेशियो सेम होगा, ठीक है, जैसे अगर 40 सीट है तो अकॉर्डिंग टू डेट 1/3 ऑफ द 40 सीट्स एमएलए करेगा, 1/3 ऑफ द 40 सीट्स कौन करेगा, हमारा करेगा म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत, 1/12 ऑफ द 40 सीट्स करेंगे हमारे टीचर्स, 1/12 ऑफ द 40 सीट्स करेगा हमारा ग्रेजुएट, 1/6 ऑफ द 40 सीट्स हमारा करेगा गवर्नर। अगर आप इन सबको जोड़ोगे ना, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6, ये इक्वल टू होगा 1 के बराबर, ठीक है, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। देखो अब ये जो पूरा इन्होंने सिस्टम लेके आए हैं ना विधान परिषद का, ये कहीं पे लिखा नहीं है एक्चुअली, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इट इज रिटन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं लिखा हुआ, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि भाई कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, लेजिस्लेचर काउंसिल है, उसका क्रिएशन या फिर एबोलिशन कैसे होता है, वो बनता कैसे है, या फिर अगर उसे हटाना हो तो कैसे हट सकता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो कंसर्न स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी की जो विधानसभा होगी वो क्या करेगी, वो एक रिजोल्यूशन पास करेगी, ठीक है, रिजोल्यूशन पास करेगी बाय स्पेशल मेजोरिटी, मतलब स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू वो एक रिजोल्यूशन पास करेगी अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट करेगी पार्लियामेंट से कि भाई आप हमारे यहाँ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाइए, या फिर आप हमारे यहाँ इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करिए, ठीक है। तो ये कौन करेगा, हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली उस कंसर्न स्टेट की, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एमपी का, तो एमपी की लेजिस्लेटिव असेंबली जाएगी, वो एक बिल पास करेगी अंडर आर्टिकल 368, और वो बोलेगी पार्लियामेंट से कि भाई हमारे यहाँ जो है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है आप बनाओ, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा फिर पार्लियामेंट क्या करता है, फिर पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ठीक है, जिस स्टेट की विधानसभा ने या लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिक्वेस्ट किया होगा पार्लियामेंट से, ठीक है। अब राजस्थान एक स्टेट है, ठीक है, राजस्थान स्टेट ऑफ असेंबली ने पास किया था रिजोल्यूशन पार्लियामेंट को, ठीक है, कि भैया उनके यहाँ जो है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाए, बट लेकिन वो जो मैटर है वो अब आज तक पेंडिंग है पार्लियामेंट में, इसलिए वहाँ पे अभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी नहीं है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हम बात करते हैं कि क्या क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो द मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, दोनों जो हाउस के जो मेंबर्स होते हैं ना वो अपॉइंट होंगे एज अ मिनिस्टर ही, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन सीन दैट इवन द चीफ मिनिस्टर आर सम टाइम फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये देखा जाता है कि जो चीफ मिनिस्टर है ना वो कभी कभी हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी होता है, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली, देखो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किसकी दुआ पे है अभी इस समय, उनका जो एग्जिस्टेंस है किसकी दुआ पर है, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली की दुआ पर, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली की वजह से ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर वो चाहेगी तब है वो, अगर वो चाहेगी कि नहीं होनी चाहिए तो वो नहीं होगी, ठीक है। इट इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू क्रिएट और अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली की रिक्वेस्ट पे ही हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बनता है या फिर बिगड़ता है। सो गाइज यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, डेट इज़ मोर देन इनफ। सो गाइज थैंक यू।